सेवन स्टडी टिप्स फॉर चिल्ड्रेन, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। कभी सारे स्टूडेंट्स उनके पिताजी माताजी हमको फोन करते, बोलते हैं पढ़ाई अच्छा नहीं करता, पढ़ाई के लिए अच्छी टिप्स बताओ, अच्छी पढ़ाई कैसी हो जाएंगी, तो उसके बारे में आज बातचीत करूंगा। एक क्या है कि स्टूडेंट्स को ट्वेल्थ जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ट्वेल्थ में ट्वेल्थ की एग्जाम इतनी महत्व की नहीं है, मगर कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग उसको जो एग्जाम देने बहुत महत्व की रहती है, और वो जो दो तीन महीने रहते हैं वो बहुत ही महत्व के रहते हैं एग्जाम के पहले। नंबर एक कि बच्चों का बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रहना चाहिए, एक सर का रहना चाहिए। मतलब क्या है कि समझो एखादे स्टूडेंट को सुबह 6 बजे उठने की आदत है, समझो एखादे स्टूडेंट को 6 बजे उठने की आदत है तो उसने रोज 6 बजे उठने का है। ऐसा नहीं कि कभी 8 बजे उठे कभी 4 बजे उठे, तो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होता। हमारे ब्रेन को आदत रहती है और आदत डालनी पड़ती है, यदि वो आदत नहीं डाली तो कभी कुछ अनप्रेडिक्टेबली रहा तो फिर पढ़ाई अच्छी होती नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता नहीं है। तो आपको एग्जाम के 2-3 महीने पहले तो भी कम से कम, वैसा साल भर किया तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम 2-3 महीने पहले एग्जाम के समय, समझो एग्जाम 8 दिन चल रही है 15 दिन चल रही है जितना भी है, तो वो एग्जाम के समय जो भी अपना टाइम टेबल होने वाला है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे पेपर है, कितने बजे वापस आएंगे, कितने बजे खाना खाएंगे, वैसे सेम टाइम टेबल आपको एग्जाम के पहले ही आपने करने का है, सेम टाइम टेबल। तो ये पहला हो गया। नंबर दो, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझो आप पढ़ाई कर रहे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके आंसर डिफिकल्ट है। ऐसा है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते नहीं है, हमको डिफिकल्ट इसलिए लगती है कि हमको आंसर नहीं आता। तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस और डिफिकल्ट आंसर हमको लग रहे हैं उसके ऊपर मार्क करो, पढ़ाई आगे आगे बढ़ाते जाओ। और बाद में पढ़ाई सब होने के बाद में क्या करना है कि अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस और डिफिकल्ट आंसर है उसके, वो पढ़ के रिकॉर्ड करो अपने खुद की आवाज़ में, और बाद में फिर वो बार बार सुनने का है, इतना सुनने का है कि उसका रट्टा मार के आपको कभी भी पूछा तभी वो बोलते आना चाहिए। हमको वहाँ टाइम घुमाने का नहीं है, बाद में खाना खाने के समय कहीं भी आपको टाइम मिलता है फ्री, उस समय वो डिफिकल्ट सवाल के जवाब जो है वो सुनने का है, ताकि उसका रट्टा मार के हम तैयार करेंगे। फिर तीसरा है रूटीनली सेल्फ हिप्नोसिस करने का है, स्व सम्मोहन और आत्म सम्मोहन करके आत्म सुझाव रोज देना है। आत्म सुझाव देते देते खुद को विजुअलाइज करने का है कि मैं जो चाहता हूँ वो हो गया है डंडिल, और वो डंडिल हुई है, जो मैं चाहता हूँ वो हो चुका है, उसकी कल्पना करना है, आत्म सुझाव देना है और शांत बैठना है कम से कम 10 से 15 मिनट तक रोज, इससे बहुत फर्क पड़ता है स्टडी के ऊपर। फिर चार, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। होता क्या है कि रोज हम पढ़ाई कर रहे हैं मगर एग्जाम में तो लिखना पड़ता है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपने पढ़ा है तो उसको लिखते जाओ, और जैसा एग्जाम में पूछने वाले वैसे ही आपको लिखना है, और वही समय पे लिखो जो समय पे एग्जाम होने वाली है, ताकि अपना ब्रेन वैसा कंडीशन हो जाएगा। फिर पांचवा, आपका स्टडी टेबल जो है वो स्टडी टेबल के पास में टीवी नहीं होना, स्टडी टेबल के पास में खिड़की नहीं होना, क्योंकि बाहर देखते हैं फिर बाहर अपना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, टीवी रहा तो कभी ऑन कर लेते, टीवी देख रहे आप ही अपना हाथ चले जाएंगे और आप टीवी चालू करेंगे, कोई गेम्स मोबाइल है वो भी खेलना चालू करेंगे, तो वो हमारा होना नहीं चाहिए। स्टडी टेबल के बाजू में क्या होना चाहिए, स्टडी टेबल के बाजू में होना चाहिए अपना रोल मॉडल, मैं ये पढ़ाई करके क्या हासिल करने वाला हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, तो वो रोल मॉडल उसका फोटो वो सामने रखना है, या आपको जो भी बनना है उसका फोटो सामने रखना है, और वो सिर्फ स्टडी टेबल के बाजू में नहीं कहीं भी रखो। एक्चुअली आप वैसे बन गए हो, उस तरह के व्यक्ति आप बन गए हो, डंडी ले हो, वैसा विजुअलाइज करना है, वैसा इमेजिन करना है, तो उससे क्या होता है, उससे डोपामिन सिक्रीशन हो जाएगा, डोपामिन सिक्रीशन हो जाएगा तो आपकी नींद खलास हो जाएगी, बोर्डम खलास हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप पढ़ाई में और कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो जो भी है वो आपको इमेजिन करना है, जो भी बनना है वो इमेजिन करना है। छठवा, पहली जो भी आपने कल पढ़ा है तो 24 घंटे के अंदर, जो भी कल पढ़ा है तो 24 घंटे के अंदर उसका पहला रिवीजन होना चाहिए। स्टेटिस्टिकली ऐसा बोला जाता है कि आप जितने जो पढ़ा है तो 90% जो है वो हम 24 घंटे में भूल जाते हैं, तो आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे तो भूलेंगे नहीं,
तो पहली रिवीजन 24 घंटे के अंदर और सेकंड रिवीजन 7 दिन के अंदर, तो वो भी लिख के रखना है अपने को कि भाई मैं सेकंड रिवीजन कब करूंगा, कितने बजे करूंगा, कौन से दिन करूंगा, तो इसलिए फिर भूलेंगे नहीं। और सातवां है हेल्थ, जो है मेरा फिजिकल फिटनेस, वो बहुत महत्व का है और उसके तरफ मैंने ख्याल देना चाहिए, रोज पसीना बहाना चाहिए। हेल्थ में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप जिम ज्वाइन करो, रनिंग को जाओ, जॉगिंग को जाओ, खेलने के लिए जाओ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो ये 7 टिप्स है मेरे, वो आप उसका पालन करते हैं, इस तरह से पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप टॉपर बन जाओगे। ये भी आपको अच्छा लगा तो सभी स्टूडेंट वर्ग जो है उनको सबको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।